दिस वीडियो इज सजेस्टेड बाय प्रदीप मौर्य। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ रिव्यू देने वाला हूँ डेल वोस्ट्रो 3578 के बारे में। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि इस वीडियो में हर एक स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं पर्सनली बात करूँगा और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा उस स्पेक को लेकर। तो आपको उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। और आप चाहते कि मैं भी आपका नाम दूँ अपने वीडियोस में और आपकी फ़ोटो बताऊँ, तो आप लास्ट में मैं एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में, तो उसे ज़रूर देख के जाइए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप पूरा देखेंगे स्टार्ट से लेके एंड तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम नावेद एंड यू आर वॉचिंग टेकमान चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं उसके डिस्प्ले से। तो आपको फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है 15.6 इंच की। तो आपको स्क्रीन साइज 15.6 इंच उसमें देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको HD वेब कैम भी उसमें अवेलेबल है। तो डिस्प्ले की बात करें तो जैसे कि मैंने कहा था, हर एक स्पेक्स के बारे में मैं डिस्कस करूँगा कि ठीक है या नहीं। तो डिस्प्ले की बात करते हैं, डिस्प्ले तो ठीक ही दी है स्पेक्स से। तो हम डिस्प्ले के बारे में जब तक खुद उसे यूज़ करके ना देख ले, तो मैं तो डिस्प्ले के बारे में नहीं बोल सकता कुछ भी। मेरे सामने अगर लैपटॉप हो, मैं उसे यूज़ करूँ, तो उसके बाद मैं कुछ कह सकता हूँ कि डिस्प्ले ऐसा ऐसा है। लेकिन इसमें फुल HD दिया है, तो फुल HD होगा। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेसर की। तो आपको i5 8th जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाए और इंटेल की ब्रांडिंग मिलती है, तो कोर i5 8th जनरेशन का आपको प्रोसेसर मिलता है। प्रोसेसर स्पीड की बात करें तो क्लॉक स्पीड की 1.6 GHz की क्लॉक स्पीड मिल जाती है आपको, विद टर्बो बूस्ट अप टू 3.4 GHz। तो आपको 6 MB की कैच मेमोरी भी मिल जाती है प्रोसेसर के अंदर। तो एक चीज़ बता दूँ आपको यहाँ पर, कि टर्बो बूस्ट जो भी देता है कि 3.4 तक है, 3.6 तक है, उतनी होती नहीं है और उतना प्रोसेसर को लगता भी नहीं है उतनी क्लॉक स्पीड तक वो जाए। तो उसके बाद बात करते हैं उसके मेमोरी की। तो 8 GB ऑफ आपको रैम मिल जाएगा, 8 GB विच इज़ अपग्रेडेबल अप टू 16 GB, और DDR4 का रैम टाइप आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं स्टोरेज की। तो आपको 1 TB का स्टोरेज मिल जाएगा HDD। उसके बाद कुछ जनरल स्पेक्स के बारे में बात करेगी, तो वेट आपको मिलेगा 2.18 kg का, और ऑन साइड वारंटी आपको उसमें देखने को मिल जाएगी उस लैपटॉप में। उसके बाद ग्राफिक्स के मामले में, ये लैपटॉप है 2 GB AMD ग्राफिक्स, AMD का रेडियन 520 ग्राफिक कार्ड इसमें अवेलेबल है आपको, जो है GDDR5 का। तो आपको डेडिकेटेड ग्राफिक मिल जाती है इसमें 2 GB AMD की। उसके बाद बात करते हैं पावर की। तो आपको पावर 6 आवर्स का आपको बैटरी बैकअप इसमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपको विंडोज 10 इसमें अवेलेबल होगा। उसके बाद ओवरऑल स्पेक्स की बात करें तो बहुत ही अच्छे स्पेक्स है इसके, और इसका बेस्ट प्राइस फ्लिपकार्ट पर है आपको 48,990 का। तो उस प्राइस को देखकर मुझे तो नहीं लगता ये बजट किलर लैपटॉप है या फिर आपके बजट में आने वाला लैपटॉप है। तो उस हिसाब से, उसके प्राइस के हिसाब से इसका प्राइस, इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो भी सही है। तो आपको 6 आवर्स की बैटरी लाइफ दी है, पर मुझे नहीं लगता कि 6 आवर्स तक बैटरी इसकी चल पाएगी। इसकी ज़्यादातर हैवी यूसेज पर 2 से 3 घंटा, और 2 से 3 घंटा और नॉर्मल यूसेज, एवरेज यूसेज पे आपको 4 से 5 घंटा देखने को मिल जाएगी, जैसे बाकी सब लैपटॉप की दी होती है। ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के मामले में तो ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा है, पर हमें स्पेसिफिकेशन के साथ साथ बिल्ड क्वालिटी चाहिए, और आपको बैकलाइट कीबोर्ड भी चाहिए होगा मुझे लगता है। तो इस लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड नहीं है, बिल्ड क्वालिटी भी प्लास्टिक की है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आपको इसी प्राइस रेंज में आपका बजट 50,000 तक के आसपास का है, तो आप एसर स्विफ्ट 3 के लिए जाइए, राइजन 5 वाले वर्जन के लिए। तो काफ़ी अच्छा लैपटॉप है वो, और आपको इससे बेहतर आपको मेटल बॉडी मिल जाती है उसमें, और आपको बैकलाइट कीबोर्ड भी उसमें अवेलेबल होगा, और आपको वेगा एड का ग्राफिक कार्ड उसमें दिया गया है, जो मुझे प्रॉब्लम नहीं आई गेमिंग के टाइम पर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरे लिए कंक्लूजन में, ये लैपटॉप इतना ख़ास नहीं है, स्पेसिफिकेशन अच्छी है, पर बाकी चीज़ें भी मेरे लिए मायने रखते हैं। तो इतना बेहतर मैं इस लैपटॉप को नहीं कहूँगा इसकी प्राइस रेंज का। हाँ, अगर इसका प्राइस थोड़ा कम हो जाए, चाहे 40 या 45 तक भी आ जाए इसका प्राइस, तो इस ये लैपटॉप के लिए आप जा सकते हैं। पर इस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से आप ये
लैपटॉप मत ही लीजिए तो अच्छा है। उसके बाद आपको बता दूं कि मेरा जो वो था जो मैं फ़ोटो मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि मैं लास्ट में बताऊंगा इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आप अपनी फ़ोटो और अपना नाम इस आप मेरे वीडियोस में ले सकते हैं, मैं आपका नाम ले सकता हूँ। तो आपको एक कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिखा होगा, अगर आपको प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पे तो आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ। अगर आपको मुझे आपका टॉपिक मुझे पसंद आया तो मैं आपका टॉपिक चूज़ कर लूँगा। उसके बाद आप मुझे अपनी फ़ोटो भेजिए, अगर आप अग्री हो तो आप व्हाट्सएप पर आप मुझे अपनी फ़ोटो भेज सकते हैं और मैं आपके जब वीडियो बनाऊँगा तो आपकी फ़ोटो लेकर आपका नाम लेकर कहूँगा कि आपने ये मुझे ये टॉपिक मुझे सजेस्ट किया है। तो ये मैंने नई चीज़ चालू की यूट्यूब पर, तो सपोर्ट मी फॉर दिस। और आपको उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए टेकमान चैनल। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, वी विल मीट सून।